नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। खबर में दम है का सिलसिला हम शुरू करें, इससे पहले कोरबा से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आती हुई। वाटरफॉल में दो युवक और दो युवतियां फंसे हुए हैं। आपको बताएं कि देव पेरी स्थित गोविंद झुंझ वाटरफॉल, जहां पर चारों लोग फंसे हुए हैं, जिनकी सूचना सामने आ रही है। लेबरू थाना प्रभारी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। चारों युवक युवतियों के रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के रहने वाले चारों पर्यटक वाटरफॉल के बीच शेड में चारों पर्यटक सुरक्षित हैं फिलहाल, जिन्हें निकालने के लिए कोशिशें काफी की जा रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, इतना तेज बहाव पानी का कि कोई भी अनहोनी की आशंका लगातार बनी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी के साथ एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अंधेरा भी हो चुका होगा निश्चित ही, और इसी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जब जब बारिश होती है तब ये सलाह लगातार लोगों को दी जाती है कि इस तरह पानी वाले इलाकों में लापरवाही वर्ष घूमना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं। फिलहाल अब आप ये स्थिति देखिए, जहां पर दो युवक और दो युवतियां पानी के बीचों बीच बने शेड पर किस तरह से मौजूद हैं। फिलहाल बताया जा रहा है कि सुरक्षित है, लेकिन उन्हें निकाला जल्द ही जाना चाहिए, क्योंकि लगातार पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। पानी ऊपर की ओर भी बढ़ रहा है, इसी वजह से रेस्क्यू में तेजी लाई गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जांजगीर चांपा जिले के चारों पर्यटक रहने वाले हैं, पिकनिक मनाने के लिए यहां पर पहुंचे थे, और वाटरफॉल के बीच जो शेड बनी हुई है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं चारों युवक युवतियां यहां पर फंसे हुए। सैयद अब्दुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या स्थिति फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन की? जी, आपको बता दूं कि ये लेमरू थाना क्षेत्र में ये गोविंद झुंझ झरना है, जो देवपहरी में ये गोविंद झुंझ झरना है, जहां पर पर्यटक लंबे समय से यहां आते रहे हैं। और चूंकि अब बरसात का समय है, उसके बावजूद भी यहां पर पर्यटक जो है, ये चार जो लोग है, दो युवक और दो युवती जो है, ये जांजगीर चांपा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, ये पहुंचे हुए थे और अचानक पानी का लेवल बढ़ा, तो उसके बाद किसी तरीके से उन्होंने जो व्यू पॉइंट है उसके ऊपर पनाह लेकर अपनी जान को बचाई। और पानी का लेवल जो है अभी भी बढ़ा हुआ है, और रेस्क्यू टीम जो है एसडीआरएफ की और लेमरू थाना प्रभारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण भी साथ में मौजूद है। जैसे ही पानी कम होता है तो उसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर नीचे लाया जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस का दौरा पूरा करने के बाद शनिवार को यूएई पहुंचे। फ्रांस और यूएई ने जिस तरह से पीएम मोदी की मेजबानी की, वो दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इन दोनों देशों के दौरे में पीएम मोदी के लिए जो भोज दिया गया वो सबसे खास था। ये बताता है कि पीएम मोदी कितनी अहमियत रखते हैं। जी हाँ, इस खबर में दम है। विंसी कोर्ट के सीन देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है लूवरा संग्रहालय। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ इतिहास को केरने वाले फिल्मकारों की ही पसंद नहीं, ये है ही इतना खास, इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों का घर कहा जाता है। जैसे जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वीनस जिमिलो समेत कई मूर्तियां यहां अपने पूरे दौर को समेटे आराम कर रही हैं। दुनिया में सबसे बड़ा होने के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से एक है लूवर। 1190 का एक किला जो 16वीं शताब्दी में शाही महल बना, फिर धीरे धीरे संग्रहालय, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ साथ फ्रांस के लिए क्या मायने रखता है। इसी में खास मेहमान आया है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कई मायनों में खास रही। फ्रांस की तरफ से कई ऐसे संकेत मिले हैं जो साफ करते हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टिल डे परेड का मुख्य अतिथि बनाना फिर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, और साथ ही लूवर म्यूजियम में भोज का आयोजन।
आखिरी बार यहाँ 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए भोज आयोजित किया गया था। आमतौर पर नेशनल डे के मौके पर लूवर म्यूजियम में काफी भीड़ होती है, लेकिन मोदी की मेजबानी के लिए इसे बंद कर दिया गया। वैसे तो यहाँ होने वाली आयोजन में फ्रांसीसी फूड ही होता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के चलते प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। भोज में भारतीय व्यंजनों को भी परोसा गया। पीएम मोदी शाकाहारी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भोज का मेन्यू तैयार किया। भोज के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। मैक्रों ही पीएम मोदी को साथ लेकर रात्रि भोज के लिए लूवर के ग्रेट हॉल में गए। इस रात्रि भोज में फ्रांस की सरकार के मंत्री, बड़े उद्योगपति, कई हाई प्रोफाइल मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस संग्रहालय में नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस के बीच अनेक समानताएं हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समानता है जिस चाव से हम खाना खाते हैं। मैं देखता हूं कि सभी लोग स्पेशल मेन्यू का आनंद लेने के लिए इंतजार करते हैं। आप सभी लोग भोज में जोश से मेरा साथ दिए। फ्रांस ने पीएम मोदी की मेजबानी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जतन किए, लेकिन सबसे खास ये है कि पूरी दुनिया के इतिहास को समेटे हुए संग्रहालय में रात्रि भोज देना। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, यहाँ आखिरी मेहमान नवाजी करीब 7 दशक पहले यानी कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ के। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पीएम मोदी के भव्य स्वागत में यूएई भी पलक पावड़े बिछाए बैठा था। फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को पीएम मोदी का प्लेन एयर इंडिया 1 यूएई में उतरा। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने स्वागत किया। अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। यूएई के राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत के साथ साथ पीएम मोदी के सम्मान में भव्य शाकाहारी भोज दिया। इधर यूएई के राष्ट्रपति ने अपने कसर अल वतन राष्ट्रपति महल में भव्य भोज की मेजबानी की। इसकी शुरुआत गेहूं से तैयार किया गया एक विशेष पकवान हरीस और खजूर की सलाद से हुई। इसे वहां की ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ परोसा गया था। वहीं स्टार्टर्स में पीएम मोदी के सामने मसाला सॉस और ग्रिल्ड सब्जियां परोसी गयी। इसके अलावा सीजनल स्थानीय फल को पेश किया गया। बता दें कि इस भोज का मेन्यू कार्ड सामने आया है। इसमें एक नोट में लिखा गया है कि ये पूरा भोजन शाकाहारी है, साथ ही इसे खास वनस्पति तेलों से तैयार किया गया है। इसमें कोई डेयरी या अंडा उत्पाद नहीं है। पीएम मोदी के स्वागत में दुबई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को दिखाया गया। उनके स्वागत में लाइट से लिखा गया, वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चुनाव में बड़ी फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस अपने 2 बड़े चेहरों के कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त है। ये चेहरे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। इनके एमपी दौरे के कराने के बाद ये मकसद कहीं ना कहीं निकलकर सामने आता है कि एक तीर से कई निशाने ये बड़े नेता लगा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा कांग्रेस के लिए चुनाव में इन 2 चेहरों की अहमियत बताने की जरूरत भी नहीं है। तभी तो कांग्रेस दोनों ही नेताओं के दौरे इस अंदाज में तय कर रही है कि बड़ी आबादी साधी जा सके। एक तरफ प्रियंका जबलपुर के बाद अब ग्वालियर आने वाली हैं, तो वहीं राहुल गांधी को पार्टी विंध्य में उतार रही है ताकि 2018 की शिकस्त को जीत में तब्दील किया जा सके। पार्टी ने शहडोल के ब्योहारी में राहुल का चुनावी कार्यक्रम तैयार किया है। बता दें कि 2003 में विधानसभा चुनाव का आगाज सोनिया गांधी ने यहीं से किया था, लेकिन उसके बाद से पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दरअसल राहुल के दौरे के लिए विंध्य को चुनने के पीछे कई वजह हैं। पहला, आदिवासी राजनीति के समीकरण सेट करना, क्योंकि यहां आदिवासियों की बड़ी आबादी निवास करती है। वहीं सीधी पेशाब कांड के बाद आदिवासी वर्ग की नाराजगी को भी पार्टी अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। इसके साथ ही तीसरी वजह शेड्यूल का छत्तीसगढ़ से लगा होना, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य तक के आदिवासी सद जाएं, ऐसी कोशिश है। राहुल गांधी जी जहां जाएंगे वहां पकड़ अच्छी होगी। मैं तो अपने गृह जिले में चाहूंगा, लेकिन कांग्रेस
कहां चाहती है वो ज्यादा। हालांकि कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी की भी पूरी नजर बनी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हुए ऐलान तो राहुल पूरे कर नहीं पाए, अब आकर क्या कहेंगे, तो इस बार भी चाहे जितनी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला। सभी जानते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी झूठ के पर्याय हैं। झूठ बोलना है, समाज को बांटने का काम करना, भड़काने का काम करना, गुमराह का काम करना, इसलिए चयन सीधी का किया गया है। बता रहा है कि एक आदिवासी का सम्मान यदि मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उनको सहन नहीं हो रहा, उनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने इस घटना को नौटंकी करार दिया, तो अब नौटंकी करने राहुल गांधी आ रहे हैं, क्योंकि समाज को बांटने का प्रयास ये नेमावर में भी कर चुके हैं, समाज को बांटने का प्रयास ये प्रदेश के महू में भी कर चुके हैं, अन्य जिलों में भी कर चुके हैं। जाहिर है बीजेपी तंज तो कसेगी ही, लेकिन इस बीच कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे रखकर अपनी रणनीति के साथ तैयार। महाकौशल के बाद अब जहां प्रियंका ग्वालियर चंबल के दौरे पर आने वाली हैं, तो वहीं विंध्य और प्रदेश के दूसरे आदिवासी अंचलों को साधने के लिए राहुल के दौरों की तैयारी हो रही है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। इधर देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आते हैं दोनों ही राजनीतिक दल। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। हालांकि एमपी में इस बार सियासी दलों के विकास के मुद्दे पर चुनावी बाजी खेलने की तैयारी है, लेकिन हिंदू कार्ड को भी तैयार रखा गया है। बीजेपी अपनी हिंदुत्व वाली छवि को लगातार आगे बढ़ाने में जुटी हुई, और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश बीजेपी अब चुनाव के पहले कुछ चुनिंदा नेताओं को जनता के बीच भेजने वाली है। ये लोग जो विभिन्न लोगों का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, इस तरह के मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू होंगे। आखिर ये खास लोग कौन होंगे और किस तरीके से हिंदुत्व की इस डोर को आगे बढ़ाएंगे, देखिए इस खबर में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी चंद महीने की दूरी पर है, लेकिन मौसम सियासी हो चला है। योजनाओं से लेकर घोषणाओं तक सियासी तासीर महसूस की जा रही है। वैसे तो एमपी में किसान, आदिवासी और विकास जैसे बड़े बड़े मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा भी ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के नेता राजेश तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि जल्द ही विश्व हिंदू परिषद सहित कुछ दूसरे संगठनों के लोग भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की ये टीम चुनाव से पहले हिंदुत्व के एजेंडे को हवा देगी। अयोध्या, मथुरा, काशी की बात होगी और मध्य प्रदेश में महाकाल लोक सहित तमाम धार्मिक स्थलों के जो काम हुए हैं और जो किए जा रहे हैं उन्हें भी जनता तक पहुँचाया जाएगा। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रही हैं और वो लोग राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी जो काम कर रही है उसे जनता तक ले जाएंगे। जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मोदी जी की विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विकास के कार्यों को गति देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सभी का स्वागत करती है। और निश्चित तौर पर जब समविचारिक लोग जुड़ते हैं संगठन के साथ में तो उसको बल भी मिलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पूर्व के मुद्दे रहे हैं जिनको हमने फलीभूत करने का काम किया है, उसको जन जन तक पहुँचाने में और उसको लक्ष्य तक लाने के लिए मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव में धर्म का नाम लेती है और चुनाव जीत भी जाती है, लेकिन इस बार जनता बीजेपी की बातों में नहीं आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ लेकर राजनीति करना चाहती है और करती है। भारतीय जनता पार्टी का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल जो है छिपकली की तरह भगवान की आड़ लेकर भ्रष्टाचार करने का काम करती है। जिस प्रकार से जगह जगह पर जो है मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, युवाओं के साथ जो छलावा किया जा रहा है, वो सब दिख रहा है मध्य प्रदेश की जनता को। भारतीय जनता पार्टी का धर्म के साथ विरोध है, धर्मद्रोही है ये, और कांग्रेस जो है वो धर्म के साथ चलने वाली, आस्था के साथ विकास करने वाली पार्टी है। हालांकि कांग्रेस भी हिंदुत्व के एजेंडे से मुंह फेर कर नहीं खड़ी है। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ाया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की हनुमान भक्ति, कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ भी सुर्खियों में रहा। बहरहाल एमपी में विकास और दूसरे मुद्दों के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सॉफ्ट बनाम हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी हो रही है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल।
और वही छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी साल में बदलाव पर बड़ा दांव लगाया है। बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद अब ओम माथुर और मनसुख मांडविया जैसे दिग्गज नेताओं को चुनाव की कमान सौंप दी गई है। कांग्रेस में भी मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को संगठन की कमान सौंपी गई है। लेकिन सवाल यह है कि इन बदलावों से दोनों दलों को क्या क्या हासिल हो सकता है, रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारियों पर जुटी हुई है। इस बीच बीजेपी ने ओम माथुर और मनसुख मांडविया को प्रभारी बनाया है और ऐसे में अब कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर रही है। और ओम माथुर और मनसुख मांडविया को जिस तरह से प्रभारी बनाया गया है उसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये पैराशूट जो प्रभारी बनाया गया है जिनको भौगोलिक संरचना भी छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम है, तो लगातार आरोप और प्रत्यारोप अब जारी है। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले सियासी दलों में उठापटक का दौर खूब चला है। पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस, दोनों दलों में बदलाव की तेज हवा ली। दोनों दलों की चुनावी रणनीति में बदलाव को एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद बीजेपी ने चुनावों के प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त कर दिए। कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी बतौर सह प्रभारी नियुक्त किए गए। पिछले चुनाव में बड़ी हार का स्वाद चख चुकी बीजेपी ने इस बार दिग्गजों को चुनावी कमान सौंपी है। हालांकि इन बदलावों पर खूब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी को कांग्रेस पैराशूट प्रभारी बता रही है। देखिए, पहले बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैराशूट चुनाव प्रभारी बनाकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उनको ना तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ की भौगोलिक दशा के बारे में जानकारी शून्य है। और ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो प्रदेश में चेहरा है, ना तो कोई योजना है, ना तो कार्यकर्ता है। हर चीज इनके पैराशूट के माध्यम से हो रहा है। बयानबाजी में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पार्टी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी ने जिस तरह माओवादियों को लेकर बयान दिया था, इससे कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी है। कांग्रेस अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए बड़े हास्यास्पद बयान दे रही है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन को छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति की अच्छी जानकारी है, जो वो कह रही थी कि नक्सली बुरे नहीं होते, और कांग्रेस को ऐसे ही भौगोलिक जानकारी वाले अगर प्रभारी चाहिए तो वो कांग्रेस को मुबारक हो। बहरहाल, दोनों बड़ी पार्टियां बदलाव से जीत का दाव तो लगा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के बदलावों पर जमकर हमले भी बोल रही हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। एक प्रभारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरा चुनाव प्रभारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या इस तरह से आरोप प्रत्यारोप से कोई दल जीत पाएंगे, या फिर कुशल नेतृत्व ही उन्हें चुनाव पर जिता कर ले जाएगी। देखना ये होगा कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में किसका निर्णय सही साबित होता है। युगल तिवारी, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। 106 साल की बुजुर्ग रामबाई ने यह साबित कर दिया है कि उम्र महज एक संख्या है। आज लोग उन्हें उड़न परी दादी के नाम से जानते हैं। 106 साल की रामबाई ने नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए मेडल्स का शतक लगा दिया है और अब विदेशी धरती पर खेलकर देश के लिए गोल्ड लाना चाहती हैं। उड़नपरी दादी के नाम से फेमस 106 साल की रामबाई ने 4 साल के दौरान नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए मेडलों का शतक लगा दिया है। हालांकि फिर भी खुशी नहीं है। दरअसल दादी की एक इच्छा है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं। ये जीवन के आखिरी पड़ाव में विदेशी धरती पर जाकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हैं। इसके लिए रामबाई ने पासपोर्ट भी बनवा लिया है। चरखी दादरी की रामबाई की उम्र 106 साल है, लेकिन जज्बा किसी युवा से कम नहीं।
करीब 4 साल पहले बुजुर्गों को दौड़ते देखा तो खेतों के कच्चे रास्तों पर दौड़ लगानी शुरू की। दादी को खेतों में दौड़ता देख नाते ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और अच्छी तैयारी करवाकर खेल के मैदान में उतार दिया। गई की गई की और दूसरी जगह पे दूसरी की हरिद्वार देहरादून बंगलोर सारा जाई। कितना एक मेडल जीते रामबाई की मेहनत रंग लाई और पहले ही प्रयास में स्टेट लेवल पर मेडल जीत लिया। इसके बाद उड़न परी दादी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, देखते ही देखते मेडलों का शतक बना दिया। उन्होंने पिछले साल बड़ोदरा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर दौड़ लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। परिवार का कहना है कि सरकार अगर मदद करे तो वो विदेश में खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल भी जीत सकती है। 106 साल की है हैं, और यदि देश में घूमियाई और घूमेगी और हमें इस की मदद करें सरकार तो मदद करें चाहवा सा मॉडल तो कढ़ाई लिया गया पर मॉडल ला तो एक ला कुछ नहीं हो हम और सरकार तो मदद मांगनी चाहवा सा। क्या मदद चाहते हो? हम मदद चाहवा सा जो कोई वो खत्ता पानी है भाई खर्चो पानी जो हंड रहा है इतने वो कर रहा है खर्चो पानी तो होना चाहिए कभी तो इनाम मिलनी चाहिए। उड़न परी दादी हरिद्वार और देहरादून में नेशनल स्तर की प्रतियोगिता में 100 और 200 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। दादी अब युवाओं की प्रेरणा बन गई हैं। दादी को खेतों में दौड़ते देख युवा भी मैदान में उतर रहे हैं। प्रदेश और नेशनल स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में सैकड़ों मेडल जीतने के बाद दादी की तमन्ना विदेशी मैदान में उतरने की है। न्यूज 18 के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।